सियासत में फैसले पहले से फिक्स होते हैं, ये बात अलग है कि दिखावे की राजनीति लंबे वक्त तक चलती रहती है। जिस वक्त राहुल गांधी अपनी यात्रा लेकर बिहार के सीमांचल में पहुंचे थे, उसी वक्त ये तय हो गया था कि पप्पू यादव आने वाले दिनों में कांग्रेस में शामिल होंगे। ये वो दौर था जब नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से अलग होकर एनडीए में जाने वाले थे। तब लालू यादव बिहार विधानसभा का गणित बनाने में व्यस्त थे और कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी थी। पप्पू यादव कांग्रेस में आएंगे इसकी जानकारी केवल कांग्रेस के टॉप लीडर्स को थी, लेकिन मुख्य किरदार निभाया प्रियंका गांधी ने। यह रिपोर्ट देखिए और समझिए कि पप्पू यादव कौन सी सियासी चाल चल रहे थे और लालू यादव कैसे धोखा खा गए। तारीख थी 19 मार्च और सुबह से ही हलचल शुरू हो गई कि पप्पू यादव कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं और शाम होते होते ये तस्वीर साफ होने लगी कि पप्पू यादव इंडिया गठबंधन की तरफ कदम बढ़ा चुके हैं। 19 मार्च की शाम पप्पू यादव पटना पहुंचे, प्रोग्राम था लालू यादव से मुलाकात का और जैसे ही वो राबड़ी आवास पहुंचे तेजस्वी यादव ने उनका स्वागत किया, घर के अंदर तक लेकर गए, काफी देर तक बातचीत हुई और बाहर निकल कर कहा लालू यादव से उनका पारिवारिक रिश्ता है। लालू जी से तो पारिवारिक और भावनात्मक लगाव है और बिल्कुल परिवार की तरह हम लोग एक हैं और हमेशा परिवार की तरह एक रहेंगे। उस वक्त ये खबरें भी तेजी से फैलने लगी थी कि पप्पू यादव अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय करने जा रहे हैं, लेकिन जब उनसे ये सवाल पूछा गया तो इसका फैसला उन्होंने लालू यादव पर छोड़ने की बात कह दी। कांग्रेस को तय करना है ना, लालू जी को तय करना है, हम मिलेंगे कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से मिलेंगे। दरअसल पूरा खेल पप्पू यादव के इसी बयान में छिपा है। पप्पू यादव कांग्रेस में जाएंगे ये बात जनवरी के महीने में ही अंदर खाने तय हो चुकी थी, लेकिन पप्पू यादव ने लालू यादव को इसके बारे में कुछ नहीं बताया, उल्टा ये कह दिया कि उनके कांग्रेस में शामिल होने का फैसला लालू यादव लेंगे, जबकि कांग्रेस में उनके शामिल होने की तारीख भी तय थी। लालू यादव से मिलने के अगले ही दिन पप्पू यादव दिल्ली पहुंचे, कांग्रेस दफ्तर में पार्टी की सदस्यता ली और ये भी बता दिया कि प्रियंका गांधी के कहने पर उन्होंने कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय कर दिया है। बहन प्रियंका जी, जिन्होंने बहुत मजबूती के साथ हमें हिम्मत दी और उन्होंने कहा कि जस्ट यू ज्वाइन, ये मेरे लिए इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती थी। पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल हो गए, लेकिन उनका ये तौर तरीका लालू यादव को पसंद नहीं आया। इसकी सबसे बड़ी वजह ये रही कि उन्होंने लालू यादव से बहुत सारी बातें छिपा कर रखी। जिस वक्त राबड़ी आवास में दोनों की मुलाकात चल रही थी, उस वक्त लालू यादव ने पप्पू यादव को एक प्रस्ताव भी दिया था। लालू यादव चाहते थे कि पप्पू यादव अपनी पार्टी का आरजेडी में विलय कर दे। लालू का प्रस्ताव ये भी था कि मधेपुरा या सुपौल से पप्पू यादव चुनाव लड़ सकते हैं। मधेपुरा या सुपौल का ऑफर इस वजह से दिया गया क्योंकि आरजेडी के पास यहाँ से कोई मजबूत यादव कैंडिडेट नहीं था, लेकिन पप्पू यादव तभी से ही पूर्णिया की जिद पर अड़े थे। पप्पू यादव को लगा कि वो कांग्रेस में शामिल होकर पूर्णिया सीट पर दावा ठोक सकते हैं। लालू से मुलाकात के बाद पप्पू यादव ने कुछ बातें खुलकर कही तो कुछ बातों को मन में ही रख ली, लेकिन जब पूर्णिया सीट को लेकर हालात बिगड़ने लगे तो पप्पू यादव ने सारी बातें खुद ही सामने रख दी। वो चाहते थे कि मैं मधेपुरा चुनाव लड़ूं, मैंने उन्हें मना कर दिया था कि मैं मधेपुरा नहीं लड़ूंगा सर, एज ए बेटे की तरह मैं आपकी मदद करूंगा, आप चुनाव लड़ाए, मैं पूर्णिया नहीं छोड़ सकता। उनकी इच्छा थी कि मैं राजद ज्वाइन करूं, लेकिन पहले ही जब कांग्रेस परिवार राहुल जी और प्रियंका जी का सानिध्य इस तरीके से और विश्वास मेरे प्रति उन्होंने किया तो मेरे लिए वो काफी था, मैं कांग्रेस ज्वाइन किया। पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं ये बात न तो लालू यादव जानते थे और न ही बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह। नतीजा ये हुआ कि अखिलेश प्रसाद सिंह नाराज हो गए। 20 मार्च को वो दिल्ली में ही थे, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं पहुंचे जहां पप्पू यादव की ज्वाइनिंग हो रही थी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए।
और ये है इनकी बहू। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।